नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिशु त्यागी। आसमान से ऊंची और सागर से गहरी है भारत रूस की दोस्ती, और इसी दोस्ती में नया अध्याय लिखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से 2 दिवसीय रूस यात्रा पर हैं। पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन के निमंत्रण पर मॉस्को में 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का हिस्सा बन रहे हैं। इस दौरान द्विपक्षीय हितों के कई मुद्दों पर बात होगी। रूस यूक्रेन युद्ध पर बात होगी, तेल और गैस बातचीत का मुद्दा होगा, तो डिफेंस डील लॉक होने की भी संभावना है। रूस के बाद प्रधानमंत्री 10 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया भी जाएंगे। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पीएम मोदी की ये पहली रूस यात्रा है। भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक संतुलित और तटस्थ स्टैंड अपनाया। ऐसे वक्त में मोदी पुतिन की मुलाकात पर अमेरिका समेत पूरे पश्चिम की निगाहें टिकी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के रूस दौरे पर हैं। फरवरी 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद ये पीएम मोदी की पहली रूस यात्रा है। भारत रूस के बीच 22वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने प्यारे दोस्त पीएम मोदी को निमंत्रण भेजा। अब पीएम मोदी की रूस यात्रा के दौरान पुतिन और मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। इस दौरान बातचीत में देश भारत और रूस के संबंधों को और अधिक गहरा करने और रणनीतिक साझेदारी को नया आयाम देने को प्रतिबद्ध होंगे। मोदी पुतिन की वार्ता में रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर इजराइल हमास युद्ध समेत कई वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। यूक्रेन में जारी युद्ध का ग्लोबल साउथ पर प्रभाव और रूसी सेना में गुमराह कर शामिल किए गए भारतीय नागरिकों की शीघ्र रिहाई के मुद्दे पर चर्चा होने की उम्मीद है। मोदी और पुतिन ने पिछली बार सितंबर 2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन SCO के शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय वार्ता की थी। इस बैठक में मोदी ने पुतिन पर यूक्रेन में संघर्ष को समाप्त करने के लिए दबाव डालते हुए कहा था कि आज का युग युद्ध का नहीं है। खास बात यह है कि यूक्रेन संकट में भी भारत और रूस की साझेदारी पर अब तक कोई आंच नहीं आई है। 2 साल पहले जब पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मुलाकात हुई, तब दोनों नेताओं ने कहा था कि रूस और भारत की दोस्ती अटूट है। भारत और रूस को हर संकट पर साथ खड़े देखा जा सकता है। ऐसे वक्त में मोदी पुतिन की मुलाकात पर अमेरिका समेत पूरे पश्चिम की निगाहें इस अहम वार्ता पर टिकी हुई है। भारत और रूस की दोस्ती जमीन से आसमान तक, समुद्र से पाताल तक, दोनों देशों की दोस्ती 7 दशक से ज्यादा पुरानी हो चुकी है। रूस भारत के लिए बड़ा ऊर्जा और हथियारों का सप्लायर रहा है। हालांकि हथियारों पर भारत ने धीरे धीरे अब अपनी निर्भरता कम कर ली है, लेकिन व्यापारिक, आर्थिक, सामरिक और सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देश महत्वपूर्ण साझेदार है। रूस पिछले 24 साल से भारत का रणनीतिक साझेदार भी है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने, ऐसे में उनका कद दुनिया में काफी बड़ा हो चुका है। वहीं राष्ट्रपति पुतिन भी तीसरी बार इस पद पर काबिज हुए हैं। ऐसे में दोनों नेताओं के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता पर अमेरिका समेत पश्चिमी देशों की पैनी नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रूस के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। पीएम मोदी रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी करीब 3 साल बाद रूसी राष्ट्रपति से प्रत्यक्ष मुलाकात करने वाले हैं। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ये दोनों की पहली मुलाकात है। पीएम मोदी के इस दौरे पर पश्चिमी देशों के साथ साथ चीन की भी नजर बनी हुई है। मोदी के जाने को लेकर रूस, क्योंकि पिछले कुछ समय से उनकी काफी प्रतीक्षा कर रहा था कि मोदी कब रूस आएंगे। मोदी के रूस जाने से कौन से ऐसे देश हैं जो घबराए हुए हैं, और क्यों उनके माथे पर
चिंता की जो लकीरें हैं वो पड़ गई हैं। वहीं मोदी के आने से पुतिन का क्या है पश्चिम वाला प्लान, तमाम बातों को लेकर हम करेंगे मुद्दा में चर्चा। दो विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ पूर्व राजनयिक मंजू सेठ जी जुड़ चुकी हैं, स्वागत मैम आपका। और हमारे साथ सामरिक मामलों की जानकार संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत सर। मंजू सेठ जी, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रूस के दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी करीब 3 साल बाद रूसी राष्ट्रपति से प्रत्यक्ष मुलाकात करेंगे और विभिन्न मुद्दों पर दोनों की चर्चा होगी। 3 साल बाद हो रही दोनों देशों के नेताओं की ये भेंट भारत और रूस के संबंधों के लिए कितनी महत्वपूर्ण मानी जाए? ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक विजिट है और ये पार्ट ऑफ द एनुअल जो हमारा बायलैटरल समिट होता है, हर साल होता था जो 2000 से चला आ रहा है, लेकिन किस ये कोविड की वजह से और यूक्रेन वॉर की वजह से नहीं हो पाया पिछले 3 साल। तो ये बहुत ही एक एनुअल समिट दोनों देशों के बीच में होता है, दोनों के लीडर्स के बीच में, और ये उसी के तहत ये 22वां समिट है। लेकिन इसकी जो इम्पोर्टेंस है बहुत ही क्योंकि जैसे जो बदला हुआ पूरा माहौल है इस वक्त दुनिया का, जियोपॉलिटिकल शिफ्ट जो हो रहे हैं और जो चेंज आ रहा है उन सब के बीच में, और जो इतना प्रेशर था इंडिया के ऊपर कि हम साइड लें और इधर जाएं उधर जाएं, लेकिन इंडिया ने अपने आप को बहुत ही मैच्योरिटी के साथ और बहुत ही सूझबूझ के साथ अपने सारे स्टैंड लिए, और इसकी वजह से भी इंडिया अपना जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसको प्रैक्टिस कर पाया और अपनी और सारे देशों के साथ, सारे नहीं बट जो मेन इस वक्त हमारे ऊपर जो दबाव डाल रहे थे अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज और रूस के साथ, हमारे अच्छे संबंध बने हुए हैं। और हमने देखा है कि अगर आप देखेंगे पिछले ये जो 20 सालों में 2000 से जो शुरू हुआ है ये एनुअल समिट, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है जो जहाँ पे दोनों देश के लीडर्स, दोनों यहाँ हमारे प्रधानमंत्री और वहाँ के रूस के प्रेसिडेंट मिलते हैं और कोई भी हर मुद्दे पे डिस्कशन होता है, और इस वाले में तो हर एक चीज पे होगा, इंक्लूडिंग डिफेंस, इंक्लूडिंग ट्रेड, एनर्जी सिक्योरिटी, हर एक चीज पे, को प्रोडक्शन इन इंडिया, और हमारे जो वहाँ यू नो स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ते हैं उनके लिए, और जो हमारे कुछ बच्चे रॉन्गफुली उनको भी यू नो लड़के यहाँ से ले गए हैं जो यूक्रेन वॉर में रिक्रूट हो गए, तो सारे मुद्दे बिल्कुल आपने कहा क्योंकि कई सारे मुद्दे हैं और कई वैश्विक मुद्दों को लेकर भी चर्चा होगी, लेकिन क्या माना जाए मंजू सेठ जी, क्योंकि तेल और गैस बातचीत का जो मुद्दा है वो तो चर्चा के केंद्र बिंदु में होगा ही, और डिफेंस डील लॉक होने की भी संभावना क्या जताई जा सकती है? बिल्कुल डिफेंस के अंदर बिल्कुल, क्योंकि ऑलरेडी यूक्रेन वॉर की वजह से क्या हुआ कि वो हमें जो सप्लाई की जरूरत थी, हमारे आर्म्स एमिनेशन पार्ट की जो जरूरत थी वो रूस नहीं पूरा कर पाया, तो इसलिए हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ा, दूसरे सोर्सेज को ढूंढना पड़ा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमने रूस को छोड़ दिया है या हमारा जो कोलैबोरेशन, डिफेंस कोलैबोरेशन है उससे हम हट गए हैं, वो बिल्कुल रहेगा और आगे चल के भी स्ट्रॉन्ग और बनेगा। और इसमें भी को प्रोडक्शन इन इंडिया की जो बात हो रही है ऑलरेडी चल रही है मिसाइल्स वगैरह में, एमिनेशन में, तो उसको और चीजों में और एरियाज में भी डाइवर्सिफाई किया जाएगा मेरा मानना है। और जो जो हमारे रुपीज सरप्लस रुपीज उनके पास हैं जो वो कह रहे हैं हमारे हम क्या करें इसका, तो उसके लिए भी मुझे लग रहा है चर्चा होगी, और वो इन्वेस्टमेंट इन इंडिया की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल वो शायद यही एक वाया मीडिया निकलेगा कि उससे भी कोई डील होगी कि वो इन्वेस्ट करें इंडिया में डिफेंस सेक्टर में और दूसरे सेक्टर्स में, इवन यू नो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो चिप्स चाहिए होते हैं, अदर थिंग्स, तो उसके लिए वो इक्विपमेंट डिफेंस इक्विपमेंट और दूसरा हाईटेक इक्विपमेंट इंडिया में बनाया जाए को प्रोडक्शन करके एंड एक्सपोर्ट टू थर्ड कंट्री रोल, तो ये सारे चीजें जो हैं ये बहुत ऑन द एजेंडा रहेंगी। और मेरा मानना है कि ये एक महत्वपूर्ण एक विजिट रहेगी और इसके जो आउटकम होंगे सब पूरा वर्ल्ड देख रहा है, इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है कि ये एक इम्पोर्टेंट विजिट है, सबको इम्पोर्टेंस इसका नजर आ रहा है, लेकिन इंडिया ने बड़ा साफ कह दिया कि ये हमारे हिस्से, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हम आपके अगेंस्ट हैं, वेस्ट के साथ और अमेरिका के अगेंस्ट नहीं है, हम आपके साथ भी अच्छे रखना चाहते हैं संबंध और इनके साथ भी रखेंगे, क्योंकि हमारा एक टाइम टेस्टेड एक रिलेशनशिप है जो बहुत सालों से
कोई भी सरकार रही हो इंडिया में, हमारे बहुत ही अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और अभी भी और मुझे लग रहा है स्ट्रेंथन होंगे। बिल्कुल, और ये जो दोस्ती का अध्याय है वो अब नया अध्याय कह सकते हैं कि आज से लिखा जा सकता है, क्योंकि तो काफी पुरानी दोस्ती भारत और रूस की रही है। लेकिन संजीव श्रीवास्तव जी, जैसा कि इससे पहले हम चर्चा यहाँ पर मंजू सेठ जी से भी कर रहे थे, मोदी पुतिन की वार्ता में रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर इसराइल हमास युद्ध समेत कई वैश्विक मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है। यूक्रेन में जारी युद्ध का ग्लोबल साउथ पर प्रभाव और रूसी सेना में गुमराह किए कर शामिल किए गए भारतीय नागरिकों की जल्द रिहाई के मुद्दे पर भी क्या माना जाए कि चर्चा हो सकती है? जी जी बिल्कुल, इस पे इन विषयों पर चर्चा अवश्य होगी। और भारत और रशिया के बीच में ये जो वार्ता हो रही है, ये 22वीं जो इंडिया रशिया एनुअल समिट है उसके तहत हो रही है। और इस पूरी चर्चा के दौरान दोनों ही देश अपनी जो एक स्पेशल और प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसके सभी पहलुओं पर विचार मंथन करेंगे, उसे रिव्यू करेंगे और इसे कैसे आगे बढ़ाया जाए उसके बारे में बातचीत होगी। और विशेष रूप से जो भारत का रशिया के साथ जो रक्षा के क्षेत्र का जो कोऑपरेशन है, जो भारत के और रशिया के बीच में जो आर्थिक जो सहयोग अभी हाल के समय में जो इतना तेजी से बढ़ा है और एनर्जी से रिलेटेड जो सहयोग जो बढ़ा है और कुछ अन्य जैसे स्पेस और न्यूक्लियर जो सेक्टर्स हैं इसके बारे में अवश्य बात होगी। कनेक्टिविटी के विषय पर भी बातचीत हो सकती है। चेन्नई व्लादिवोस्तोक का जो कॉरिडोर को बनाने की जो संकल्पना है उसके बारे में भी तेज गति से प्रगति कैसे हो और इसके बारे में निस्संदेह बातचीत होगी। और जाहिर है कि भारत और रशिया वर्तमान समय में विश्व में चाहे कितनी भी रणनीतिक अनिश्चितता क्यों ना आ जाए, ये जो संबंध है ये लगातार मजबूत और प्रगाढ़ बने हुए हैं। ये एक टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है और ये संबंध का इस संबंधों का सबसे बड़ा आधार विश्वास है। जी। भारत रशिया को अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स जब देता है तो बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स उसने टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर की है। और ये अगर आप भारत और रशिया के संबंधों के इतिहास को उठा कर देखें तो जब कभी भी भारत संकटकालीन स्थितियों में था, मैं शीत युद्ध की भी बात कर रहा हूँ, इसके बाद की भी स्थितियों की बात कर रहा हूँ, उसमें रशिया भारत के साथ एक स्टेट फर्स्ट कमिटमेंट के साथ खड़ा रहा। वहीं जब रशिया के ऊपर इतना बड़ा संकट आया कि विश्व के देशों ने उसके ऊपर सैंक्शंस लगाना शुरू किए तो भारत ने किसी की भी परवाह न करते हुए रशिया से अपने ऑयल के और गैस के इंपोर्ट को मल्टीफोल्ड कर दिया, फर्टिलाइजर को खरीद रहा है। और जाहिर है कि आज अभी देखिए तो भारत और रशिया के बीच का जो व्यापारिक संबंध है वो कई गुना बढ़ गए, $65 बिलियन तक का व्यापार अब हो रहा है। तो ये स्पष्ट रूप से बात को दर्शाता है कि ये जो दोनों राष्ट्र हैं, ये इनकी जो ट्रू फ्रेंडशिप फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड जो भावना होती है उसके साथ ये कार्य करने वाले राष्ट्र हैं। और चाहे कितने भी रणनीतिक परिवर्तन क्यों ना आ जाएं, भारत और रशिया के बीच ये जो स्पेशल और प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ये आगे भी जारी रहेगी। कुछ विषय हैं जैसे हमारे जो कुछ भारतीय युवाओं को गुमराह करके वहाँ पर सेना वगैरह में शामिल कर लिया गया है, उनको कैसे वापस लाया जाए, और मेरा मानना है कि वो जल्द से जल्द उनकी स्वदेश वापसी होगी। और उसके अलावा जाहिर है कि विश्व में जो संकट वाली स्थितियां हैं उसके ऊपर भी गंभीर मंत्रणा होगी। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जो वर्ड्स ऑफ विजडम है जो उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन को समर्थन उज्बेकिस्तान में कहा था कि ये युद्ध का युग नहीं है, मेरे ख्याल से वो फिर उसे दोहराएंगे। और जाहिर है कि हमास और इसराइल के बीच का जो युद्ध है उसके बारे में भी विचार मंथन होगा, अफगानिस्तान के विषयों पर भी बातचीत हो सकती है। तो ये भारत और रशिया के बीच की जो कंप्रेहेंसिव जो ये वार्ता होगी एनुअल समिट के फॉर्मेट में, मुझे लगता है इसमें सभी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। बिल्कुल, तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी और ऐसी चर्चा की संभावनाएं लगातार जताई भी जा रही हैं संजीव श्रीवास्तव जी। और जैसा कि आपने कहा भी कि भारत और रूस के जो संबंध हैं वो पिछले कुछ वर्षों में जो व्यापारिक संबंध है वो भी अधिक बढ़े हैं और ये रिश्ते और ज्यादा प्रगाढ़ हुए हैं। देखिए, भारत और रूस की जो दोस्ती है वो चाहे जमीन की बात की जाए, चाहे आसमान की बात की जाए, चाहे समुद्र से लेकर पाताल तक अगर हम बात करते हैं तो दोनों देशों की दोस्ती 7 दशक से ज्यादा पुरानी हो चुकी है। और
रूस भारत के लिए बड़ा ऊर्जा और हथियारों का सप्लायर भी रहा है। हालांकि हथियारों पर भारत ने अब धीरे धीरे से अपनी जो निर्भरता है वो कम कर ली है, लेकिन सर व्यापारिक, आर्थिक, सामरिक और सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देश अभी भी महत्वपूर्ण साझेदार हैं, जैसे कि आपने भी कहा। तो क्या माना जाए कि आने वाले समय में ये जो साझेदारी है अब और अधिक मजबूत होती हुई नजर आ सकती है इस मुलाकात के बाद, इस भेंट के बाद जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं ऐसे में? तो निसंदेह देखिए, ये जो साझेदारी है ये डिस्टिंक्ट रिलेशनशिप है, ये एक स्पेशल रिलेशनशिप है, स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनर जिसे हम कहते हैं। और ये हमने देखा है कि वैश्विक पटल पर विश्व में अनेक रणनीतिक परिवर्तन आ रहे हैं, विश्व में पोलराइजेशन बढ़ रहा है। जहां तक एक तरफ रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान, बेलारूस, सीरिया जैसे राष्ट्र एक तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और उसके जो एलाइज है उसके कुछ पार्टनर एक खेमे में आते दिखाई दे रहे हैं। एक नया पोलराइजेशन खड़ा होता हुआ दिख रहा है, एक नए शीत युद्ध का खतरा दिख रहा है। और जाहिर है कि एक ऐसे परिवर्तन के समय में भी जहां तक भारत की और रशिया के बीच की दोस्ती का प्रश्न है, तो ये दोस्ती मेरा मानना है कि ये प्रगाढ़ और मजबूत बनी रहेगी, क्योंकि इसका सबसे बड़ा आधार ये है कि भारत किसी खेमे का पार्ट नहीं है। भारत और रशिया के बीच की ये साझेदारी है, ये पार्टनरशिप है, न कि अलायंस है। उसी तरीके से भारत की अमेरिका के साथ जो रिलेशनशिप है वो भी एक पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो भी अलायंस रिलेशनशिप नहीं है। और भारत की विदेश नीति और रक्षा नीति में रणनीतिक स्वायत्तता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इसका आधार है। और ये बात रशिया भी अच्छी तरह से समझता है और अमेरिका भी अच्छी तरह से समझता है। और भारत का जो अप्रोच होता है वो वैश्विक मामलों में एक संतुलित अप्रोच होता है। और हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से हमने वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ कार्य किया, एक विश्व मित्र की भावना के साथ कार्य किया, तो वो भी जो भारत का जो अप्रोच है उसको सभी पक्ष सराहते हैं। तो ये जो भारत की जो अपनी जो अपना जो संतुलित अप्रोच है उसकी सराहना होती है। दूसरा मैं ये भी कहूंगा कि रशिया भारत के साथ अपने संबंधों को बनाए रखेगा, उसका कारण ये भी है कि भारत विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र तो है ही, लोकतांत्रिक बाजार भी है, और साथ ही साथ भारत की वैश्विक मामलों में जो भूमिका है वो बहुत ही संतुलित, विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण, जिम्मेदारी भरी होती है। तो ये जो पूरी स्थितियां हैं इसकी वजह से भारत की जो विश्व के मामलों में जो भूमिका है वो लगातार महत्वपूर्ण बनी रहेगी, और उसको भी ध्यान में रखते हुए भारत रशिया के साथ एंगेज करेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा जो मैंने कहा जैसा कि एक आधार जो भारत और रशिया के बीच के संबंधों का है वो ये है कि एक टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है। दोनों देशों ने समय समय पर एक दूसरे के साथ खड़े रह करके इस मित्रता को साबित किया है, और वर्तमान समय में भी जो वैश्विक चुनौतियां हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए ये जो मित्रता का जो संबंध है वो जारी रहेगा और अधिक मजबूत होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, मैं वापस से आपके पास आऊंगी संजीव जी, कई और चीजों को हम आपसे समझेंगे, लेकिन मंजू सेठ जी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री बने, ऐसे में उनका जो कद है वो दुनिया में काफी बड़ा हो चुका है, वहीं राष्ट्रपति पुतिन भी तीसरी बार इस पद पर काबिज हुए हैं, ऐसे में दोनों नेताओं के बीच होने वाले द्विपक्षीय वार्ता पर अमेरिका समेत पश्चिमी देशों की पैनी नजर है। खुद रूस का मानना है कि पीएम मोदी और पुतिन के मिलन से पश्चिम को खूब जलन होगी। इन दोनों की मुलाकात से सबसे अधिक चिंताएं किसके माथे पर देखने को मिल सकती हैं? मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तो कंसर्न होगा, लेकिन वो समझते भी हैं, यूएस और वेस्ट सारे समझते भी हैं इंडिया का क्या पोजीशन है और क्या क्यों है। कंसर्न जरूर है उनको, जरूर माथे पे उनको थोड़ा सा सिकन जाएगा डेफिनेटली, तो ये क्या हो रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है चीन थोड़ा सा ज्यादा वरी करेगा, क्योंकि चीन और रूस आपस में आ रहे थे और चीन चाह रहा था कि रूस किसी तरीके से भारत से दूर हो जाए थोड़ा सा और उनके साथ ज्यादा जुड़ जाए, और जुड़ भी गए हैं प्रेजेंट पुतिन के साथ। उनकी जो मीटिंग हुई है उसमें कहा भी हमारी बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप है और बहुत अच्छा रिलेशनशिप है और हर चीज में हम कोलैबोरेट करेंगे, लेकिन ये उनको भी थोड़ा सा चिंता की बात है मुझे लगता है। और
बट हमें ये समझना चाहिए कि जो हमारा जो पार्टनरशिप है रूस के साथ, जो हमारे रिलेशनशिप रूस के साथ है, ये एक स्टैंड अलोन है, हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, ना वेस्ट के अगेंस्ट है, ना चीन के अगेंस्ट में हम ये दोस्ती कर रहे हैं, हमारा बहुत सालों से चला आ रहा है, टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है, और ये दोनों आपस में अपने हित, हमारा हित इसमें है, हम इसलिए आगे चल रहे हैं, रूस को भी लगता है उनका हित हमारे साथ रहने में है, और वो कहा जरूर है जलन हो रही है, लेकिन मुझे लग रहा है जलन की बात नहीं होनी चाहिए, थोड़ी कंसर्न जरूर होगी कि ये जो पार्टनरशिप है ये उनके हितों को ना अफेक्ट करे, ठीक है, तो ये एक तरफ कंसर्न होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये किसी को कंसर्न होने की जरूरत नहीं है, और लेकिन साथ में हम ये भी चाहेंगे कि जब हम दिक्कत में हो तो रूस हमारे साथ खड़ा रहे, और हम और अभी तक तो होता है, आगे चल के भी हम यही चाहेंगे। बिल्कुल, रूस तो हमेशा साथ खड़ा रहा है भारत के, और भारत भी हमेशा रूस के साथ खड़ा रहा है, चाहे हालात कैसे भी हुए हों, लेकिन दोनों देशों ने ये दिखाया है कि उनकी जो मित्रता है वो बुरे वक्त में ही, कहते हैं कि अपनों का पता चलता है, और ऐसे में ये रिश्ते और ज्यादा बुरे वक्त में प्रगाढ़ हुए हैं। लेकिन संजीव श्रीवास्तव जी, क्योंकि प्रधानमंत्री 10 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया भी जाएंगे सर, और इस यात्रा को आप किस तरीके से देखते हैं, और ये यात्रा कितनी महत्वपूर्ण मानी जाए? देखिए, ये जो यात्रा है ये भी महत्वपूर्ण है, और जाहिर है कि ऑस्ट्रेलिया में पिछले 40 वर्षों में पहला कोई ऐसा प्रधानमंत्री भारत का है जो कि वहां पर यात्रा करेंगे, और ये एक बेहद महत्वपूर्ण यात्रा है। ऑस्ट्रेलिया एक यूरोप का महत्वपूर्ण राष्ट्र है, और जाहिर है कि इस यात्रा के माध्यम से मेरे असेसमेंट के मुताबिक भारत ये मैसेज भी देना चाहता है, खासकर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, कि जो भारत की अगर जो विदेश नीति है वो एक संतुलित विदेश नीति है, भारत सभी के साथ अपने संबंधों को बढ़ा के रखना चाहता है, एक ऐसे समय में कि जब रशिया और यूरोप के संबंध बेहद तनावग्रस्त हैं, और एक यूरोप में यूरोपियन राष्ट्रों में और रशिया के बीच में एक वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता चल रही है, और यूरोपियन थिएटर में डोमिनेट करने के लिए रशिया और यूरोप और अमेरिका नेटो जो है आपस में एक युद्ध भी लड़ रहे हैं अपरोक्ष तरीके से, तो एक ऐसे समय में भारत के द्वारा ये जो विजिट प्लान की गई, मुझे लगता है कि एक इसका एक बहुत स्ट्रेटेजिक मैसेज है कि भारत सभी पक्षों के साथ, चाहे वो रशिया हो चाहे यूरोपीय राष्ट्र हो, उनके साथ बना के रखना चाहता है, और मुझे लगता है कि ये एक सकारात्मक अप्रोच है, और ये इस बात को स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है कि भारत की जो रणनीतिक स्वायत्तता है वो उसके आधार पर ही भारत अपने निर्णय लेता है। भारत किसी के दबाव में आकर के, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो रशिया हो, अपने संबंधों को निर्धारित नहीं करता है। भारत के को किसके साथ कैसे संबंध स्थापित करने हैं वो भारत स्वयं से निर्धारित करता है। इसी वजह से इसी लेग में रशिया के साथ ऑस्ट्रिया की जो यात्रा है वो मुझे लगता है कि एक एक बहुत सकारात्मक रणनीतिक संकेत भी है। और जहां तक भारत और ऑस्ट्रिया के बीच के बायलैटरल संबंधों का प्रश्न है, तो जाहिर है कि इसमें इस यात्रा के बाद प्रगति होगी, और ये पहली किसी प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया की यात्रा है, तो ये दोनों देशों के संबंधों को और प्रगाढ़ मजबूत करेगा। बिल्कुल सही आपने कहा, और सर जैसे कि आपने कहा कि 40 वर्षों बाद ये यात्रा हो रही है, तो ये तो वाकई अपने आप में एक महत्वपूर्ण यात्रा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, नमस्कार।